रही बात अब्बास अंसारी की, तो यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, अब्बास अंसारी गठबंधन के तहत सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से लड़ा जरूर था, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, अखिलेश यादव जी का उम्मीदवार। अभिषेक राय जी कितना भी डिबेट के अंदर बोल दे हमारा उम्मीदवार नहीं है, ये पूरी तरीके से झूठी बात है। अब टिकट आपके, अनुजी मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे जफराबाद का जो विधायक है, जफराबाद का विधायक अनुज जी हमारे सिंबल से जीता है, लेकिन आज भी वो अपनी गाड़ियों के ऊपर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा घूमता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो अखिलेश यादव जी ने दबाव के अंदर अपनी पार्टी के लोगों को हमारे सिंबल से लड़ाया। तो अब्बास अंसारी हमारा कैंडिडेट नहीं है, अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है। जिसने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, वो जेल चला गया, तो आप कह रहे हैं साहब हमसे मतलब नहीं है, हम तो पाक साफ है। आप बताइए अभिषेक राय जी, बोलिए, मुस्कुरा रहे हैं, बोलिए, क्लियर कीजिए। हम तो न्यायालय का सम्मान करते हैं ना, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, सम्मान सभी करते हैं। कौन कहेगा टीवी डिबेट पे न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं? क्लियर कर रहा हूँ ना, अब्बास सभी करते हैं, न्यायालय का सम्मान उम्मीदवार था, हमारा नहीं था। अभिषेक राय बोलिए, अभिषेक राय भी जानते हैं हम डिफेंस कहाँ कर रहे हैं, हम डिफाइन कहाँ कर रहे हैं। अभिषेक राय जल्दी बोलिए, मौका दे रहा हूँ। उल्टा सरकार ने बदली परिस्थितियों के अंदर काफी अच्छी कार्रवाई की है, अपराधियों पर लगाम लगाने का साबित कर रहे हैं, लेकिन जब अभिषेक राय जी बोलेंगे अब्बास अंसारी वाली बात, तो अब्बास अंसारी का निगम क्लियर कर रहे हैं, स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं, अब्बास अंसारी हमारा प्रत्याशी नहीं था। या तो ये बोले या तो हम बोले। यादव जी सुन लीजिए, मैं आपको एकदम फैक्ट के साथ बता रहा हूं, 2012 में कौमी एकता दल के साथ सुभाषपा ने गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ा। किसकी थी कौमी एकता दल, सबको पता है। बांदा जेल में कौन मिलने जाता है, सबको पता है। कौमी एकता का विलय समाजवादी पार्टी के संरक्षकों के अंदर से सुमार शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश कार्यालय अखिलेश, यही लखनऊ के अंदर विलय किसने कराया, किसने कराया, जरा ये भी बताइए, जरा ये भी बताइए। फैक्ट मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी फैक्ट की बात कर रहा हूँ, आप ही के पास फैक्ट है, हम फैक्ट नहीं है, हम भी वर्क करके आते हैं, वर्क करके आए गिरे। कौमी एकता दल का विलय शिवपाल जी ने कराया था कि नहीं, भले बात अखिलेश यादव जी कलर में है, समाजवादी पार्टी का ये क्या चल रहा है, समाजवादी पार्टी शुरू कर देती है ना, हमें आप भी जरा फैक्ट्री पर देख लो। मुख्तार अंसारी के फंडिंग पर सुभाषपा पूरी चलती है, ये बड़े आरोप आप लगा रहे हैं अब राय साहब, लेकिन अवनीश त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश त्यागी जी, आप लोग ये बार बार कहते हैं, ठीक है यादव जी आ रहा हूँ, मौका दिया ना, दोबारा दे देंगे, बोल लीजिएगा, रख लीजिएगा अपनी बात। पहले तो आप टिकट दे देते हो, उसके बाद कहते हो हमने नहीं था वो सपा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, तो ये सपा का चाल चल रहा है। रुक जाइए भाई, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। अवनीश त्यागी जी, आप लोग जो कहते हैं कि संरक्षण देते हैं विपक्षी लोग गुंडे माफियाओं को, और यहाँ पर तो टिकट दिया गया, वो कह रहे साहब हमने नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है। सुभाषपा कह रही हमसे मतलब नहीं, सपा कह रही हमसे मतलब नहीं। देखिए अनुज जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, जब से योगी जी का राज आया, और जो अपराधियों माफियाओं गुंडों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, दबंगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, एक अभियान के तहत कार्रवाई हुई है, उससे खलबली मची, ये विपक्ष में बेचैनी बढ़ी है। अब उनको दो तरफा मार हो रही है, सरकार तो अपराधियों को मार दे कर रही है, उन पे कार्रवाइयां कर रही है, कठोरतम कार्रवाइयां कर रही है, उनके अपराधों पर जो पैरवी हो रही है उन्हें सजाएं मिल रही हैं, और दूसरी तरफ प्रदेश की महान जनता ऐसे संरक्षणदाताओं को, जो अपराधियों को संरक्षण देते रहे, पाल कर पोस कर बड़ा करते रहे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए नासूर बना दिया अपराध को और माफियाओं को और गुंडों को, उनको जनता ने नकार दिया। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के इतिहास में निर्णायक नहीं, ऐतिहासिक फैसला है प्रदेश की जनता का, ठीक है, जो योगी जी के कदमों का समर्थन किया। जनता ने मार दी उन संरक्षणदाताओं को जिन्होंने राजनीति का अपराधीकरण करा, अपराधियों का राजनीतिकरण करा, और अपराधियों को इतना महिमामंडित कर दिया कि उनके खिलाफ कोई अब नहीं, यहाँ पर वो कह रहे हैं जिन्होंने टिकट दिया है, जिनके सिंबल पर चुनाव लड़े, वो कह रहे हैं कि भाई वो सपा का कैंडिडेट है, हमारे सिंबल पे लड़ गया, कोई बात नहीं। उनमें खलबली मची है जब जनता की मार पड़ने लगी है, वो गाड़ी पर सपा का झंडा लगा के घूम रहे, कह रहे कि वो सपा के कैंडिडेट है। अरे भाई आधिकारिक तौर पर तो आपके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा है,
और आप कह रहे हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं। दुबे जी मैं आऊंगा आपके पास भी, इस पर जरूर आपकी राय जरूर लूंगा। चुरा रहे हैं जब जनता की दुत्कार पड़ रही है अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर। ठीक है यादव जी आऊंगा, पूरा मौका देंगे, पूरा मौका देंगे, बिल्कुल बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। सबको राय साहब आपको भी और यादव जी आपको भी इसको क्लियर जरूर करेंगे। मजबूरी है, एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, लेकिन गुंडे माफियाओं के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है उसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पहले की सरकारों में अब तक क्यों नहीं हुआ, या फिर ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्यों गवाह पलट जाते थे, क्यों गवाहों की हत्या हो जाती थी, इस पर चर्चा चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। स्वागत है आपका। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अशोक धर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। द्विवेदी जी बहुत स्वागत है। ग्राउंड जीरो से विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विशाल आपके पास आएंगे। विशाल देखिए आज बहुत बड़ा दिन है, जजमेंट डेट था और लगातार हर किसी की निगाहें आज इस फैसले पर टिकी हुई थी। अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे की तस्वीर आपको कैसी दिखाई देती है? देखिए बिल्कुल ये जजमेंट इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जिस तरह से अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में जब बरी हुए थे, सीबीआई ने जो है इस पूरे मामले को लेकर जब बरी किया था, और किशनानंद हत्याकांड जो सबसे बड़ा हत्याकांड था, सभी सबूत थे और उसके बावजूद भी गवाह पलटे गए, किस तरह से जो है सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, किस तरह से बचाने की कोशिश की गई, तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत एक प्रभावी जो पैरवी की गई है उसी का नतीजा है, क्योंकि एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से बात थी कि सब कुछ सामने हुआ था, सब कुछ चीजें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्तार और अफजाल जो है वो बचते रहे। लेकिन अब जिस तरह से इस पूरे मामले में गैंगस्टर एक्ट के मामले में सजा सुनाई गई मुख्तार अंसारी को 10 साल की, इसके साथ अफजाल अंसारी को 4 साल की, तो जाहिर सी बात है कि अब अंसारी बंधुओं के लिए राजनीतिक जो आगे के रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। मुख्तार अंसारी का जरूर जो है इससे पहले मुकदमों में सजा सुनाई जा चुकी थी तो उनके रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन अफजाल अंसारी का ये पहला ऐसा मामला है जिसमें सीधे तौर पर जो है उनको सजा सुनाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर गाजीपुर की सीट जो यहाँ से जो है अफजाल अंसारी जीत कर सांसद बने थे, अब ये सीट खाली होगी। सीट खाली होने के बाद यहाँ पर उपचुनाव होंगे और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि लगातार जो अब अलग अलग इलाकों के जो बड़े माफिया रहे, चाहे पूर्वांचल की हम बात करते हैं तो गाजीपुर मऊ एक ऐसा वक्त भी था जब मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, लेकिन आज जब हम सड़क पर लोगों के साथ बात कर रहे थे तो लोग खुश थे, कह रहे थे कि ये होना चाहिए था, देर आए। इसके साथ साथ जब हम पीयूष जो है जो पीयूष राय है उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि एक जो है लंबा इंतजार किया और उन्होंने इस बात का इलेक्शन कब हो सकते हैं, नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है, नियम क्या है, कितना टाइम लगता है इसमें, कितने दिन का या महीनों का समय होता है इलेक्शन कराने में, क्योंकि अब 24 का चुनाव भी हमारे सामने है, क्या उससे पहले होगा? नहीं देखिए बिल्कुल अनुज, चूंकि 6 महीने का वक्त होता है और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है, लेकिन ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि इसका नोटिफिकेशन 2 से 3 दिन में आ जाएगा, क्योंकि तैयारी पूरी है बीजेपी की और बीजेपी ये जानती है कि गाजीपुर को अगर एक बार अपने कब्जे में ले लिया तब इसका फायदा उसको 2024 में मिलेगा। और चूंकि जब अंसारी बंधु जब तक अपनी याचिका दायर करेंगे, कोर्ट जाएंगे, तब तक उससे पहले जो है इस तरह की चीजें जो है वो कार्यवाहित की जाएगी, मतलब लोकसभा से जल्द जो है रिक्त करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा, उसके बाद चुनाव आयोग को भेजेगा और चुनाव आयोग उसको लेकर बकायदा जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो ये जल्द से जल्द कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहां पर अगर चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है कि ठीक है विशाल रहेंगे आपके साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे खास मेहमान और भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय जल्दी से करा देते हैं। सुभाष यादव जी प्रवक्ता हैं सुभाषपा से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रुद्र प्रताप दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुबे जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप अशोक धर द्विवेदी जी के पास चलेंगे, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। अशोक धर द्विवेदी जी जो आज हुआ है आपको लगता है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? मुझे बिल्कुल लगता है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु नहीं हुआ, आज हुआ। इसका प्रमुख कारण ये है कि शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पुलिस ने और अभियोजन पक्ष ने अच्छी पैरवी की, जो संबंधित साक्ष्य थे न्यायालय में विभिन्न तिथियों पर अच्छी तरह से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए और उसी के परिणाम स्वरूप आज यह अदालत का फैसला आ पाया। होता क्या है कि जब भी अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे विचाराधीन होते हैं तो अपराधी प्रयास करते हैं टाल मटोल का, विलंब करने का,
लेकिन जब अभियोजन पक्ष सतर्क रहता है, पुलिस चौकस रहती है और गवाहों को प्रस्तुत करती है, तो ये टाल मटोल वाला रवैया सफल नहीं हो पाता। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं, महत्वपूर्ण।